मेरा नाम चांदनी भी है और मैं सिजलर रेस्टोरेंट की ओनर हूँ। हमने एक प्लान बनाया फॉर अपग्रेडेशन। इसी दौरान में हमें पता चला कि एक ऑर्गेनाइजेशन है स्मेडा और उनकी ERKF की ग्रांट मिलती है वुमन एंटरप्रेन्योर्स की, और अगर हम उसको अप्लाई करें तो 50% मैचिंग ग्रांट के साथ हम ये अपग्रेडेशन बड़ी बखूबी कर सकते हैं। हमने इनके ऑफिस को कांटेक्ट किया, इनकी टीम आई हमारे पास, हमारी इवैल्यूएशन हुई, एक असेसमेंट हुई और उसके मुताबिक हमने इसको ड्रैगन मून से सिजलर पे अपग्रेड किया, जिसमें फुल फ्यूजन अब आ गया है। अब हम इटालियन, थाई, कॉन्टिनेंटल, बारबेक्यू सब कैटर कर रहे हैं। हमारे पास एक हॉल था, इस ग्रांट के मिलने के साथ ही हमने इसको दो में डिवाइड किया और अभी हमारे पास एक कॉन्फ्रेंस हॉल है। इसके साथ साथ हमारा रेवेन्यू ऑलमोस्ट डबल हो गया है। इसके अलावा स्टाफ इंक्रीज हुए, ऑलमोस्ट हमारा डबल हुआ है। और एक और रिक्वायरमेंट थी इनकी जो हम ऑलरेडी असेसमेंट करना चाहे थे, हमने फीमेल स्टाफ को इंट्रोड्यूस किए हैं। चांद बीबी ERKF की इक्तिसादी बहाली की इमदादी स्कीम से फ़ायदा उठाने वालों में से एक हैं। ERKF प्रोजेक्ट हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की मुआशी और इक्तिसादी बहाली के लिए बनाया गया जो दहशतगर्दी और बदमनी से मुतासर हुआ था। इस मंसूबे का मकसद छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी अफराद की बहाली और रोजगार के पायदार मौके पैदा करना है और कारोबारी अफराद की तामीरी सलाहियतों में इजाफे के जरिए छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी अफराद को रोजगार के मुस्तकिल मौके फराहम करना है जो मुख्तलिफ बुहरानों, बदअमनी और नकल मकानी की वजह से बहुत बड़े मुआशी नुकसान बर्दाश्त कर चुके हैं। 2010 में होने वाले पोस्ट क्राइसिस नीड असेसमेंट स्टडी की सिफारिशात की बुनियाद पर ERKF ने मुआशी बहाली के प्रोजेक्ट को 2012 में शुरू किया। मुआशी इस्तेहकाम की बहाली से तनाज़ियात और बदमनी जो कि एक अहम मुहर्रिक है का मुकाबला किया जा सकता है। ERKF ने तीन लिहाज से हमें सपोर्ट किया है, उसमें ये साइंस लैब्स हैं, इससे तकरीबन डेली बेस पे 40-50 ऑन एवरेज स्टूडेंट्स इस्तेफादा कर रहे हैं। इसी तरह कंप्यूटर लैब की कमी थी तो कंप्यूटर लैब में ERKF के ताउन से हमने एक स्टेट ऑफ द आर्ट ये कंप्यूटर लैब डेवलप किया और इसमें 40 कंप्यूटर सिस्टम हमने इंस्टॉल किए और ये लेबॉरेटरी बन गई। इससे भी 40 से ज़्यादा स्टूडेंट इस्तेफादा कर रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे पावर सप्लाई का मसला था, बिजली का मसला था, तो 15 KV का जो सिस्टम है सोलर, वो हमने नॉन इंटरप्टेड पावर सप्लाई को इंश्योर करने के लिए ERKF के ताउन से वो लगा दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह इससे हजारों बच्चों को फायदा हो रहा है। सियाहत, संगमरमर और ग्रेनाइट, तजारत, टेक्सटाइल, खिदमात, तालीम और मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग वो अहम कारोबारी शोबे हैं जिसमें ERKF मदद फराहम कर रहा है। ERKF कम अपग्रेडेशन और कम रिहैबिलिटेशन कम मंसूबा दाच कल राल ला माँ देते अप्लाई उकड़ला और माता ऐसे इस मसाला पर देख के राल ला और जो माँ कम प्रोजेक्ट शुरू अगर भी मंजूर को भी माँ तथा सोचे कम जमा शाह था बैक साइड था गोर है कम ओवर हेड देता भी माता बीरा कड़ू और दे सारा ऑटो पॉलिशर दे टू हेड ऑटो पॉलिशर और तमंग दे रहा कड़ू और दे ओवर हेड बरकत सरा जो दे वक्त तकरीबन 500-800 टन पूरे माजान सरा स्टॉक साथ ले शुमा दे गठा पैदा हुआ बल ताजु जी दा कम मालूम ना गोरे दा बमा सा टोल बगैर पालश अपरातू और जमंगा बदकिस्मती दादा छे बार दुनिया के टोल पालश माल छेदीगी माशाल्लाह माँ सरा उस दे वक्त पर स्टॉक की तकरीबन 10,000 फुट पालिश माल प्रोत दे ज दे मनसूबे ने डेर ज्यादा खुशहाल है माँ और जुमा दा ख्वाहिश दे चिदा मनसूबा दे मुस्तकबिल किम जारी उसा तलेशी। अभी तक ERKF की मदद से छोटे और दरमियानी दर्जे के कारोबारी अफराद को 2100 ग्रांट्स फराहम की जा चुकी हैं। मैचिंग ग्रांट्स की मद में 1.7 अरब रुपए की इमदाद फराहम की जा चुकी है। खवातीन के ज़ेर मिल्कियत कारोबार में 55 करोड़ रुपए के 80 मुख्तलिफ कारोबार फराहम किए गए हैं जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 11,000 से ज़ायद नौकरियाँ पैदा की गई हैं जो बरकरार हैं। इस मंसूबे के नतीजे में मुलाजमतों और कारोबार की आमदनी में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है और सूबे में जदीद टेक्नोलॉजी भी मुतारफ करवाई गई है
صوبہ خیبر پختونخوا اور ضم شدہ قبائلی اضلاع اور صوبے کے دور دراز اور پسماندہ علاقوں میں کاروبار کو بحال کیا گیا ہے۔ 2007 کے مالا کاروبار شروع کرو ہمارے خشتہ کاروبار تقریباً 40-50 لاکھ روپئے میں کاروبار کو بھائی جی 2010 کے سیلاب آ گئے آگے سیلاب کو جب زمان ڈیل بے نقصانات ہو شو اور دل تو منگ پہ جیسے کہ 12 فٹوں کو بھی آٹو والا کے آٹو خراب کرا ہوا یہ آر کے ایک والے دن تک دل تمنگ لال ابھی منگل تو مشین جو آگے تمنگ 100,20,000 روپئے منظور کری اور آگے مشینیں چلی پائی بان من کاروبار شروع کی نہ سر زمان کاروبار ڈے اور شو مخت جی منگ سر میرے سالوں کا سانو کار کو اس ماشاء اللہ ہوا تک سان منگ سر کار کے اور پائی کے زموں کو منافع کے 15 فیصد تک اضافہ شو تیار کے در طرف ہم کا کم از کم پک دے تشنان گرینٹ کی ملو ہوا کہ داری قیمت ہو 28 لاکھ روپے تقریبا اور داری پہنچ زمین کاروبار 20-25 فیصد زمین زیاد کاروبار مت لار داری پہنچ زمین سرا نور سلو پینزا کاریگر چی کم دی آگا وہ لگے زمین داری پک خوش ہو اور ہم پک نیفار کرا ہم کافی مشکور ہیں سمیڈا کے اسپیشلی ای آر کے ایف کے پی ایم یو اسٹاف کے کہ انہوں نے ہمیں گاہے بگاہے گائیڈ بھی کرتے رہے ہماری مانیٹرنگ کرتے رہے اور ہمیں بتایا کہ کس طرح ہمارا بزنس امپروو کر سکتا ہے۔ حکومت پاکستان پر شہریوں کے اعتماد کو بحال کرنے کا مقصد اس منصوبے کے ذریعے بخوبی حاصل کیا گیا ہے۔ اس منصوبے کی سرگرمیوں سے کاروباری افراد کی آگاہی میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ اس سے قبل چھوٹے اور درمیانی درجے کے کاروباری افراد زیادہ تر غیر سند یافتہ تھے، جبکہ اب وہ کاروبار سے متعلق دستاویزات حاصل کرنے کے فوائد سے بھی آگاہ ہو چکے ہیں۔ صوبے میں طویل شورش کی وجہ سے کاروباری برادری کو پہنچنے والے نقصانات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس منصوبے کو مزید تقویت ملی ہے، جس سے اس منصوبے کی مانگ میں مزید اضافہ ہوا ہے۔